ये शुरू में दीवार की हेल्प से करना है, दीवार की हेल्प से करते हुए फिर इस तरह करना है। सीधे खड़े हो जाएं, पीछे झुकना है, झुकते जाते और हाथ टिकाना है और जितनी देर तक इस पोज में रह सकते हैं आप रहना है। पैरों को भी उठा लेना है आगे, पंजों को संपूर्ण चक्रासन हो रहा है। मोड़ कर आपस में जोड़ लें और अब घुटनों को हिलाएं और कोशिश करें कि जो घुटने हैं वो ज़मीन तक टच हों और आगे की तरफ झुक जाएं। कोशिश करें कि सर आपका ज़मीन से टच हो जाए। इस पोज में जितनी देर तक रह सकते हैं रहें। अब सीधे खड़े हो जाएं और टांगें चौड़ी करें और अपने हाथों को लास्ट वाली उंगली से टच करें। दूसरी साइड भी करें, फिर टांगें चौड़ी कर लें और थोड़ा बेंड करें। हाथों को ऊपर लेके बांध लें और थोड़ा सा झुक जाएं कमर से। ऐसे ही दूसरी साइड भी करना है। सीधे लेट जाएं और दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, टच करें और ये दोनों पकड़ के उठाएं। इसे कहते हैं धनुरासन। जितना सर और पैर को पास में ला सकते हैं उतना लेकर आए, वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाएं, पद्मासन की स्थिति में आ जाएं। अपने दोनों हाथों को साइड में रख के और अपने शरीर को हाथों पर उठा लें। इसे कहते हैं तोल आसन। तोल आसन में अपने वजन को पूरा हाथों पर उठाएं। पैरों को सीधा रखें और हाथों को ऊपर से सीधा ले जाकर अपनी पंजों के पीछे वाले हिस्से को पकड़ लें और सर को घुटने से टच कर दें। इसको कहते हैं पश्चिमोत्तासन। सीधे लेट जाएं और घुटनों को मोड़कर उठाएं। शरीर का पूरा वजन कंधों पर लाने की कोशिश करें, हाथों को पीछे टिका दें, पैर सीधे रखें। इसे कहते हैं सर्वांगासन। यह आसना की रानी है। अभी हम इसी को आगे बढ़ाते हुए घुटनों पर सर रखें, पैरों को पीछे ज़मीन से टच करें और हाथों को एकदम सीधा कर लें। ये है हलासन।
पैरों को सीधा रखें, दूर दूर कर लें और हाथों को अंगूठे से टच करके पैरों को सीधा रखना है। सर को जितना नीचे झुका सकते हैं झुकाएं और अगर हो सके तो ज़मीन से टच कर दें। इस स्थिति में आने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, 15 से 20 दिन। कोशिश करें और इस स्थिति में आए और वापस से अपनी पुनः स्थिति में आ जाएं। अब इसी को एक साइड जाएं, पैर को पकड़कर और सर को घुटने से टच करना है। ये संपूर्ण स्थिति है। अगर आप घुटने को सर से टच करते हैं तो कंप्लीट होता है आसन। शुरू में नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन घुटने को मोड़ना नहीं है। वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। अपने हाथों को नीचे टिकाकर अपने शरीर को उठाएं और पूरा वजन अपने पेट के नीचे वाले हिस्से पे लगा दें। इसे कहते हैं भुजंगासन। वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। सीधे लेट जाएं, हाथों पे वजन देते हुए शरीर को उठाएं, पीछे पैरों को कोशिश करें मोड़कर सर के पीछे टच कर दें। ये समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कठिन आसन है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा आसन है। सर टच किया और वापस आए घुटनों के बल पर और सीधे खड़े होकर हाथों को पीछे लेकर जाएं और पंजों पे इस तरह पोज बनाएं। इसे कहते हैं कैमल पोज, ऊंट की भांति। घुटनों को मोड़कर पंजों के बल बैठें, आगे झुकें, सर को ज़मीन से टच करें और हाथों को पंजों से पकड़ें। ये कहलाता है रैबिट पोज। इस स्थिति में काफ़ी देर तक रहें, पाचन क्रिया पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।